ले जी, अब एक्सेल के अंदर हम बनाएंगे रिजल्ट कार्ड। बिल्कुल तरीकाकार वही, सबसे पहले एक्सेल ओपन किया। अच्छा, रिजल्ट कार्ड का जो फॉर्मेट है, बात वही, अगर मैं उन्हें उसे अभी बनाया तो उसमें ठीक ठाक टाइम लग जाएगा। बनाने का तरीका आपको बता दिया होगा, वो जिस तरह स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन लिस्ट बनाई, मर्ज एंड कॉलम्स का यूज़ करते हुए, बॉर्डर्स का यूज़ करते हुए, उसी तरह बनेगी। हाँ, एक फॉर्मेट मैं निकालता हूँ और उसे फिल जैसे करना है, जो फार्मूलाज लगा के वो मैं लगाता हूँ, तो फिर ऐसे कर लेते हैं। शायद फॉर्मेट ही चाहिए मुझे, इतने सारे पढ़े मुझे भी मिल जाए। ऊपर से महीना चेंज कर दो। ये लिखा हुआ कोर्स नाइटली टेस्ट रिजल्ट फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2016। फोर्टनाइटली का मतलब होता है 15 रोज़ा। क्या होता है 15 रोज़ा? इस तरह मंथली टेस्ट कोई भी हो, 15 रोज़ा बना लें, मंथली बना लें, सालाना बना लें, तरीका तो एक होगा, फार्मूला एक होंगे। वाली 15 रोज़ा टेस्ट हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर टेस्ट 15 दिनों के बाद होते हैं तो हर सब्जेक्ट के एक महीने में दो टेस्ट होंगे। इसीलिए इसके फॉर्मेट में केमिस्ट्री के नीचे ये कितने दो टू बॉक्सेज हैं, बायो के नीचे भी इस तरह इंग्लिश की, क्योंकि केमिस्ट्री का जो एक टेस्ट है, दो टेस्ट होंगे हर किताब में, दो टेस्ट होंगे, तो इसी तरह। अच्छा, केमिस्ट्री के नीचे ये जो बॉक्सेस है ना, यहाँ पर आपने डेट्स लिखनी है। मसलन ये हुआ था जी एक तारीख को, बायो हुआ 2 को, केमिस्ट्री का दूसरा टेस्ट ही 2 को नहीं लगा देना, क्योंकि पहले पहला पहला खाना 15 दिनों का है, फिर दूसरे का 2 को हुआ, फिर ये 3 को हुआ, 4 को हुआ, 5 को हुआ, 6 को हुआ, 7 को हुआ, 8 को हुआ। अब दरमियान में सारे दिन पढ़ाई की, आगे पढ़ाई होती रही। फिर 21 को ये टेस्ट हुआ, 22 को ये वाला हुआ, 23 को ये हुआ, 24 को ये हुआ, 25 को ये हुआ, 26 को, 27 को, 28 को। दरमियान में संडेज वगैरह मैंने उसका कोई लिहाज नहीं रखा, ऐसे बस लिख दिया। अच्छा, टोटल मार्क्स, यहाँ पे आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं जो आपने हाथ से ही लिखने हैं, इसमें वो फार्मूला नहीं लगेगा, टोटल मार्क्स में भी नहीं लगेगा और अपटेन मार्क्स में भी नहीं लगेगा। तो जाहिर सी बात है, 15 रोज़ा टेस्ट है, हर 15 रोज़ा टेस्ट है, महीने में 2 मरतबा होते हैं, तो फॉर्मेट एक ही होता है, 30-30 नंबर के टेस्ट होते हैं, 30-30 नंबर के होते हैं, तो 30 लिख दिया। अब इसी को पकड़ कर कॉपी कर दिया। अच्छा, याद रखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल एक रिजल्ट कार्ड बनाने का तरीका, लेकिन अगर आपको बैक वक्त दर्जनों या सैकड़ों स्टूडेंट्स के रिजल्ट बनाने हों, फिर उनका तरीका ये नहीं होगा। वहाँ हम एक लिंक शीट क्रिएट करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्स क्या होते हैं एक्सेल में, फुल हैवी करके बताऊंगा, ताकि टोटली प्रोफेशनल हो जाए आपके एक्सेल। कि उसमें क्या होगा कि मसलन अगर आपने, आपके पास 100 बच्चे हैं ना, आपने तमाम की ना पहले एक लिस्ट तैयार कर लेनी, पहली मरतबा पहले महीने आपको काम करना पड़ेगा, तमाम बच्चों को लिंक्स दे देनी है एक शीट्स के साथ, एक शीट के जरिए लिंक दे देनी है। जब लिंक्स दे दोगे ना आप, तो आपने जब आप लिंक्स दे दिए, अभी पेपर हुए भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ आपने सबका फॉर्मेट बना के लिंक्स दे दिए, जब पेपर होंगे आपके पास, वो लिस्ट, इसमें आपको एक लिस्ट होगी अवार्ड लिस्ट, इसमें बच्चों के नंबर लिखे होंगे सिर्फ, आपने वो लिस्ट देख के वहां पे जस्ट न्यूमेरिक कीबोर्ड यूज करके नंबर एंटर करते जाने हैं, 10 20 15, 10 20 15, 10 20 15। किसी स्टूडेंट्स का नाम नहीं लिखना, सब कुछ पहले वहां एंटर होगा, किसी का रोल नंबर नहीं लिखना। आपने एक ही शीट में तमाम स्टूडेंट्स की इकट्ठी एंट्री करनी है, लेकिन तमाम का अलग अलग रिजल्ट कार्ड अलग अलग फाइल्स में ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा, तो वो एंट्री आप एक जगह कर रहे हैं, सेव मुख्तलिफ फाइल्स में हो रहा है, वो जो चीज़ हो रही है वो होगी लिंक्स। वो उस वक्त पढ़ाऊंगा जब एक्सेल्स के अंदर तमाम शीट्स हमारी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अभी सिर्फ आपने जस्ट ये देखना है कि नॉर्मली रिजल्ट कार्ड के अंदर फार्मूले क्या लगते हैं, तो
क्योंकि अगर आप इसी तरीके से 100 बच्चों का रिजल्ट कार्ड बनाते हो तो टाइम बहुत यूज होगा। जाहिर सी बात है, मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें पूरी क्लास के बच्चों के नंबर लिखे हुए हैं एक पेपर के, उसी तरह मेरे पास 15 लिस्ट हैं। अब मैं पहले एक बच्चे का रिजल्ट कार्ड खोलूंगा, उसमें से एक लिस्ट से खोल का नंबर लिखा, फिर दूसरी चेक की, फिर तीसरी, एक एक बच्चे के लिए मैं 15 15 लिस्टें बार बार चेक करता रहूँ। इस तरह तो जनाब टाइम ठीक ठाक ज़ाया होगा। हाँ, मेरे पास अगर एक ही स्टूडेंट है, एक ही टीचर है, फिर जनाब जैसे मर्जी लगे रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, फिर टाइम है टाइम। ठीक है, अब ओबटेन मार्क्स मैंने इसके लिखे, तो ये तो ऊपर काम खराब हो गया, टोटल मार्क्स। अच्छा जी, वो कंटिन्यू हो गया ना, मैंने कॉपी करने थे, कॉपी हो गया। ठीक हो गया, इस्लामी आ जरा थोड़ा कम कर देते नंबर इसके। अब इसी तरह नीचे आपने ऑब्टेन मार्क्स में नंबर दे देने हैं, मसलन 20 22 21 19, इधर गैर हाजिर लगा, इधर भी गैर हाजिर, इसने पेपर नहीं दिया एब्सेंट था। ठीक हो गया जी, अभी जो गैर हाजिर है ना, इसे मैं जरा अयां करने के लिए ना इनको जरा थोड़ा सा तब्दील कर देता हूँ, इनकी राइटिंग व्हाइट कर देता हूँ और सेल्स को ब्लैक कर देता हूँ ताकि दूर से नजर आए, और उसके साथ बोल्ड भी कर दिया। ठीक है, ताकि दूर से नजर अभी गैर हाजिर है। अब नीचे परसेंटेज का फार्मूला, जो सैलरी शीट में परसेंटेज पढ़ाया था वो ओल्ड फार्मूला था, यहाँ पर कुछ और होगा। इक्वल ऑब्टेन मार्क्स सेलेक्ट डिवाइडेड टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, वहाँ हमने 100 पर मल्टीप्लाई कर दिया, या 100 सॉरी वहाँ हमने 100 पर डिवाइड किया था, लेकिन या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंटर किया जनाब, उसने कहा कि 30 में से 20 नंबर आए, तो इसका मतलब है 67% है। अब एक केमिस्ट्री के एक पेपर के मैंने परसेंट निकाल लिए, तो बाकी आगे निकालने की ज़रूरत नहीं, उसी तरह फार्मूले को आप आगे चला सकते हैं, ड्रैग कर दें, खींचते हैं आगे। ठीक हो गया, अब सबके नीचे लग गया, लेकिन जहां पर एब्सेंट है उनके नीचे हैश हैश बना रहा है, इसका मतलब है वैल्यू यहाँ पे आपको नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मैंने ऑब्टेन को डिवाइड किया है 13 में से, और यहाँ पर ऑब्टेन है ए, ए है अल्फाबेट, और अल्फाबेट को न्यूमेरिक से डिवाइड करें, डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट ये सारी चीजें होती हैं न्यूमेरिक के अंदर, नंबरों में ये चीजें तो अल्फाबेट में होती नहीं, तो लिहाजा वहां पे एरर दे रहा है, तो वहां आप जाके मैन्युअली 0 0 0 टाइप कर दें। ठीक हो गए, अब ये नंबर ऑफ एब्सेंट्स इन क्लास कि इसने कितनी गैर हाजिरियां की, तो यहाँ पर लिखने की बजाय फार्मूला लगा दें, क्योंकि लिखेंगे तो हर एक अलग अलग लिखना पड़ेगा, जब फार्मूला लगा के एक मतलब रख देंगे तो सारों की वही चीज कॉपी होती रहेगी, फार्मूला ऑटोमेटिकली कॉपी होते रहेंगे। तो उसका फार्मूला है इक्वल कोई भी चीज गिनने का, लाजिम नहीं कि सिर्फ एब्सेंट्स गिनेगा, ये कुछ भी गिनने का, मतलब एक लाइन के अंदर मैंने लिखे हुए हैं जी कार्स 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 हॉर्स कार्स हॉर्स एयरप्लेन हेलीकॉप्टर खिलौनों के नाम लिखे हुए हैं, अब मैंने आगे काउंट करने हैं कि हेलीकॉप्टर्स की काउंटिंग कितनी है, कार्स की कितनी है, साइकिल्स की कितनी है, तो उन पे ये फार्मूला लगेगा। काउंट का कोई भी फार्मूला होगा, तरीका उसका यही होगा, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और वो सारा एरिया सिलेक्ट कर लें जहां से आपने काउंट करना है। ठीक है, मैंने ऑब्टेन मार्क्स से काउंट करना है ना, वो सारी ऑब्टेन मार्क्स मैंने सिलेक्ट की, कोमा, अब इन्वर्टेड कोमा में वो लफ्ज लिखे जिसे आपने काउंट करना है, तो वो है ए, फिर इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज और एंटर करो, वो कहता है जनाब 3000। इसी तरह कुछ भी काउंट करना हो तो तरीका उसका यही होगा जो मैंने अभी आपको काउंट में करके दिखाया, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, वो एरिया सिलेक्ट कर ले जिसमें से आपने काउंट करना। अच्छा, एक बात और याद रखिए, मसलन अगर आपको ये देखे ना, ऑब्टेन मार्क्स की सिर्फ एक लाइन है, और आप इसी तरह ऑब्टेन मार्क्स की अगर दो लाइनें हों, एक लाइन ये
एक लाइन ये, फिर तीसरी लाइन ये। अब मल्टीपल सिलेक्शन कैसे, मल्टीपल सिलेक्शन कैसे करेंगे आप? मतलब सिलेक्ट कर लिया ना आपने इतना, तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके आपने कुछ और सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप मुख्तलिफ जगहों से सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, सिलेक्ट कर सकते हैं। और टेन मार्क्स की लाइन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस कर लें, सॉरी पहले आप टेन मार्क्स सिलेक्ट कर लें, फिर कंट्रोल का बटन प्रेस करके जहाँ ओवर है वहां से भी सिलेक्ट कर लें, फिर कंट्रोल का बटन छोड़ना नहीं, जहाँ ओवर है वहां से भी सिलेक्ट कर लें, फिर कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमास में वो चीज लिखी जिसे आपने काउंट करना है, तो जनाब ए उसने काउंट कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैंने काउंट करना होगा इसके अंदर 20 कितनी मतलब आया, तो मैं इन्वर्टेड कोमा में 20 लिखूंगा, वो सिलेक्ट करके कि सारे को सिलेक्ट करो और इसमें से मुझे जनाब ये इनके बता दो। अब ये आ गया ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल का मतलब कि 30-30 नंबरों के और कुछ 25 नंबरों के पेपर हो गए, तो कुल महीने में कितने नंबर के पेपर हो गए? तो इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, तमाम टोटल मार्क्स सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। वो कहता है 470, 470 नंबर के कुल, दोबारा लगा रहा हूँ फार्मूला, दोबारा लगा रहा हूँ क्योंकि वो ग्रैंड टोटल का फार्मूला टोटल मार्क्स पर भी लगेगा और ऑब्टेन मार्क्स पर भी लगेगा। इक्वल सम ग्रैंड टोटल का फार्मूला ये इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, और जिन्हें आपने आपस में ये करना है ना, ऐड करना है, जमा करना है, उन तमाम को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स सारे मैंने सिलेक्ट कर लिए, अब ब्रैकेट क्लोज करो, सिलेक्ट कर लो यहाँ जिस तरह उसने सेल रेफरेंस दी है E13 to T13, एंटर करो। तो कहते जनाब 324 470 में से 324। अब इसी तरह ग्रैंड टोटल में मजमुई परसेंटेज, ग्रैंड परसेंटेज भी लगी, देखो ना मैंने अलग अलग परसेंटेज निकाली कि एक एक पेपर की अलग अलग, अब ग्रैंड परसेंटेज भी लगेगी और उसका फार्मूला भी वही है इक्वल, लेकिन यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स ये वाले सिलेक्ट नहीं करने, ये वाला सिलेक्ट करना, ठीक है। डिवाइडेड, डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100, एंड परसेंटेज दे दिया 69%। अब ये लोएस्ट परसेंटेज हाईएस्ट परसेंटेज ये आपको खुद लिखना पड़ेगी कि क्लास में सबसे कम कितने परसेंट थे और सबसे हाई कितने थे, ठीक है। ये एक पहले रिजल्ट कार्ड में, लेकिन जब वो आपको मैं लिंक्स पढ़ा दूंगा ना उसके अंदर ये भी आपको नहीं लिखने पड़ेंगे बार बार, ये भी आपको नहीं लिखने पड़ेंगे। यानी कि पहले अगर आपने 200 बच्चों का रिजल्ट बनाना है तो पहले महीने आपको लगेंगे 4 घंटे और उसके बाद हर महीने आपको लगेगा सिर्फ 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा रिजल्ट बनाने में और प्रिंट निकालने में। अच्छा, ग्रेड पे अब लगेगा फार्मूला, लोएस्ट परसेंटेज मसल मैंने लिख दीजिए 30 और हाईएस्ट लिख दी मैंने 94। क्लास में सबसे कम जिसकी परसेंट है वो 30 है और सबसे ज्यादा 94 पक गया। ग्रेड पे कोई फार्मूला लगेगा जो सैलरी में हमने स्केल पे लगाया, बेसिक सैलरी का लगाया कि अगर इतना स्केल है तो इतनी सैलरी, यहाँ पर वही फार्मूला, अगर इतने परसेंट हैं तो इतना ग्रेड, अगर इतने परसेंट हैं तो इतना ग्रेड, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तरीका बदलेगा, कॉन्सेप्ट वही है। इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट होगी, परसेंटेज सेलेक्ट कर लो ग्रेड, अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 89, यहां पर ग्रेटर देन लिखा कि अगर ये परसेंट 89 से ज्यादा है, इक्वल नहीं लिखूंगा, फार्मूला फिर भी अप्लाई होगा, लेकिन फिर उसका मतलब होगा कि 89 से ज्यादा का मतलब है 90, कि वो ग्रेड 90 पर लगेगा, 89 पर नहीं लगेगा, और इक्वल लगा दिया इसका मतलब है कि 89 पर भी वो ग्रेड लगेगा और 90 पर भी वो ग्रेड लगेगा। मसलन अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 89 कोमा इन्वर्टेड कोमा ए प्लस इन्वर्टेड कोमा, एक स्टेटमेंट हो, अब इसी तरह आगे स्टेटमेंट सामने चलानी है। इफ ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज सिलेक्ट ग्रेटर देन इक्वल 79 कोमा इन्वर्टेड कोमा ए इन्वर्टेड कोमा कोमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज सेलेक्ट कर लो या V14 उसका सेल रेफरेंस लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल 69 कोमा इन्वर्टेड कोमा बी कोमा इफ
ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज सेलेक्ट ग्रेटर देन इक्वल 59 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज सेलेक्ट ग्रेटर देन इक्वल 49 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डी ऊपर से पढ़ती हूँ ना फॉर्मूला इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इफ परसेंटेज सेलेक्ट सॉरी ब्रैकेट लगाइए इफ ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज सेलेक्ट ग्रेटर देन इक्वल 39 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ई इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इफ अब इफ नहीं लगाना अब इफ नहीं लगाना क्योंकि मैंने आखिरी ग्रेड ले आया अब बगैर इफ के जस्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एफ लिख दूंगा अब मैंने कितनी ब्रैकेट्स ओपन की 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड जनाब सी ग्रेड क्यों दिया क्योंकि मैंने ऊपर फार्मूला में कहा था कि अगर 69 से क्या हो 69 या उससे जायद हो तो बी देना है लेकिन इसने 69 पर सी क्यों दिया तो यहां पर ये 69 पूरा नहीं है ये लाजमी कम होगा क्यों बोला मैं इसके डेसिमल नंबर जरा थोड़े से बढ़ाता हूं तो ये देख लो ये 69 नहीं है ये 68.94 है तो इसकी वजह से यहां पर ग्रेड है वो लगा है तो लिहाजा ये ग्रैंड टोटल में आपने डेसिमल नंबर्स परसेंटेज में डेसिमल नंबर्स आपने इंक्रीज कर देना डबल कर देना है जवाब जो है ना जो परसेंटेज है वो आपने 2 इशारे तक ले जाना है क्योंकि अगर ये इशारे नहीं लगा होगा तो 68.5 या इससे ऊपर जो भी होगा वो 69 शुमार हो हालांकि एक स्टूडेंट के 68.6 है और एक के 68.8 है अब दोनों की पोजिशन में फर्क आ जाएगा लेकिन अगर इन नंबर इंक्रीज डेसिमल नंबर इंक्रीज नहीं होंगे तो दोनों को 69 शो करें जबकि एक ने 324 नंबर लिए होंगे दूसरे ने 327 लिए होंगे तो इसलिए यहाँ पर डेसिमल नंबर जाके कर देना ठीक है कि वहां पर थे तो 69 लेकिन उसने ग्रेड सी लगाया तो जब मैंने उसको असल जाके देखा तो वो 69 नहीं 68 है अब यहाँ पर अगर मसलन मैं नंबर बढ़ाऊँ इसको 30 कर दिया तो देखो 71.28 हो गया तो उसने बी ग्रेड कर दिया आगे जाके क्योंकि 69 से अबव है ना तो बी कर दिया अब परसेंटेज ऑफ क्लास अटेंडेंस ये भी वो मुझे ना रजिस्टर देख के हाजिरी देख के लगानी पड़ेगी मसलन 100% कर देता हूँ 100% कैसे हो सकती है इतनी गैर हाजिरी है इसकी 80% पोजीशन इन क्लास क्लास में इसकी पोजीशंस कितनी है ये भी सारा हिसाब करके फिलहाल मैं अभी हाथ से ही लिखता हूँ मसलन इसकी पोजीशन है 4 नंबर पे ठीक हो गया जी अब ये पोजीशंस पे जब लिंक्स दूंगा मुझे कुछ भी नहीं लिखना जब मैंने लिंक दे दिए ना फिर मैंने कुछ भी नहीं लिखना इन शीट्स पे सब कुछ एक शीट पे फिल करूंगा तमाम बच्चों का इकट्ठा तो सबका अलग अलग रिजल्ट कार्ड फिल होता जाएगा ये सिर्फ पिछले बता रहा हूँ कि एक रिजल्ट कार्ड कैसे बनाते हैं स्टेटस कि ये पास है या फिर फार्मूला वही इफ अगर इतने परसेंट हो तो पास है वरना फिर इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज सेलेक्ट अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 33 इक्वल के बगैर भी फार्मूला अप्लाई हो जाएगा लेकिन उसका मतलब होगा कि 33% वाला फेल होगा 34 वाला पास होगा जबकि ऐसा नहीं होता 33 वाला भी पास होता है तो लिहाजा इक्वल लाजमी लगाएंगे तब फार्मूला ओरिजिनली अप्लाई होगा ठीक है वरना अप्लाई तो हो जाएगा लेकिन लीगली जो फार्मूला वो काम खराब हो जाएगा अब यहाँ पर स्टेटमेंट ये क्या है अगर ये या वो तो लिहाजा एक ही मरतबा इफ लगेगा और दूसरी मरतबा अच्छा इफ लगा तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा पास इन्वर्टेड कॉमास इफ ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज सेलेक्ट ग्रेटर देन इक्वल 33 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पास अब इन्वर्टेड कॉमा में फेल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर तो जनाब उसने कह दिया कि ये आपका पास है ठीक हो गया जी इसके अंदर जितने फार्मूला से वो कंप्लीट हो गए जो रिमार्क्स है ये आपको लिखना होगा खुद ही लिखना होगा सिर्फ आपने जब लिंक्स दे देंगे ना उसके बाद आपको सिर्फ एक चीज़ लिखनी होगी बल्कि वो भी नहीं लिखनी होगी
रिमार्क्स भी उसी में जाके हम लिखेंगे। रिमार्क्स का मतलब है कि इसके जो रिजल्ट है वो पिछले महीने से अब सस्टेन या इम्प्रूव, गुड इम्प्रूव या ड्रॉप, बैडली ड्रॉप, क्या हुआ, गिर गया, बढ़ गया या वैसे का वैसे, तो यहाँ पर वो चीज़ लिखी जाएगी। मतलब मैंने लिखा जी इम्प्रूव, आई लिख दिया जस्ट इम्प्रूव, ठीक हो गया जी। ले जी ये हमारा जो रिजल्ट कार्ड है उसके फार्मूलाज कंप्लीट हो गए।